नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसी यूनिक चीज दिखाऊंगा कि शायद ही आपने ऐसी वीडियो YouTube पर देखी हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग सी चीजें दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक 3.5 mm वाला केबिल है और ये केबिल मेरी टैबलेट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो टैबलेट के साथ मेरी ये केबिल कनेक्ट है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ठीक है, ये केबल मेरे सिस्टम में लगी हुई है और उसके बाद यहाँ पर टैबलेट में लगी हुई है। अब आप कहोगे कि सिस्टम में आउटपुट निकल रहा है और उसके साथ ही इस टैबलेट में भी आउटपुट निकल रहा है, तो आखिर ये केबल मैंने क्यों लगाई है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम पर मैंने अभी NCS वाला साउंड है वो प्ले कर रखा है, अभी प्ले नहीं करा है लेकिन मैंने उसको लगा रखा है, जिससे कि मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे पास एक दूसरा फोन है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें मैंने FM को ट्यून कर रखा है, मतलब FM मैंने अभी है उसको मैंने 3.5 mm वाली एक हेडफोन से कनेक्ट कर दिया है, बस इतना है। तो अब क्या करूंगा मैं इस वीडियो में, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इस वाले गाने को जब मैं प्ले करूंगा, यहाँ पर आप देखोगे मेरे सिस्टम में जो गाना प्ले होगा वो इस केबल के थ्रू इस टैबलेट में आएगा। ये टैबलेट क्या करेगी, उसको ट्रांसमिट करेगी और ट्रांसमिट करेगी वो 100 MHz की फ्रिक्वेंसी पर, या फिर मैं जो भी सेट करूंगा इसमें उस पर वो ट्रांसमिट करेगी। और मैं जब रिसीव करूंगा इस वाले फोन में, तो यहाँ पर आप इस वाले साउंड को इस वाले फोन में सुन सकते हैं। काफी लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन मैं इसको लाइव आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वाली जो टैब है इसमें एक एप्लीकेशन है जो प्री इंस्टॉल आई थी, मतलब पहले से डली हुई आई थी, ये गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे शायद आपको नहीं मिलेगी। और कुछ फोन से जो जैसे सैमसंग का जो पहले फोन आया करते थे और उसमें ये थी, लेकिन मेरे वाली इस वाली एप्लीकेशन जो ये एप्लीकेशन है ये मेरे इस वाले फोन में भी है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वो एप्लीकेशन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास FM रेडियो के नाम से, और उसके बगल में यहाँ पर आप जी देखोगे FM ट्रांसमीटर के नाम से एक एप्लीकेशन है। अगर आपके फोन में भी ये एप्लीकेशन है तो आप ये काम अपने फोन से भी कर सकते हैं। तो मैं FM रेडियो नहीं सुनना चाह रहा, मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ। तो मैं ट्रांसमीटर वाले बटन पर क्लिक करूंगा। अब मुझसे ये पूछेगा कितनी फ्रिक्वेंसी में, मैं किसी भी फ्रिक्वेंसी में ट्रांसमिट कर सकता हूँ। अगर 92.7 VFM पर भी ट्रांसमिट कर सकता हूँ, किसी भी चैनल पर ट्रांसमिट कर सकता हूँ, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो ज़्यादा नहीं होती, 10 से 15 मीटर की रेंज में ही सर्किल में ही ये ट्रांसमिट करता है। तो मैंने यहाँ पर 100 MHz को सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपको करना है तो आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, और सेटिंग्स में जाने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये मैंने सेटिंग्स में ऊपर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ 100 मैंने सिलेक्ट कर रखा है और इसको मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके कर दूंगा यहाँ से। तो मैंने ये 100 वाला सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि अब 100 MHz की फ्रिक्वेंसी पर कोई भी बंदा अपने FM चैनल FM को रिसीवर को खोलेगा अपने फ़ोन में और 100 MHz की फ्रिक्वेंसी लगाएगा, चाहे वो रेडियो में लगा दे मेरे आसपास का, तो उसे वही गाना सुनाई देगा जो मैं इस सिस्टम में चलाऊंगा। उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये मैंने केबल कनेक्ट कर रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ और इस वाले फ़ोन के साथ कोई भी केबल कनेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। हालांकि इस फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई है लेकिन इसमें FM वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं सबसे पहले इसमें FM को ऑन कर लेता हूँ। तो FM ये ट्यून कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी फ्रिक्वेंसी लगा लेता हूँ। तो मैं आपको एक FM आपको ट्यून करके सुना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें FM चलता है। 92.7 मैंने अभी सेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, देखिए, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। 100 पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 100 पर अभी कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने माउस से इस वाली वीडियो को प्ले करूंगा तो आप सुनना। आप जी कहोगे साउंड कहीं से भी आ सकता, हो सकता है स्पीकर से आ रहा हो, नहीं आ रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर जी। देखिए आप 100 MHz की फ्रिक्वेंसी पर इस वाले साउंड को सुन रहे हैं। अगर मैं सिस्टम से करता तो मैं वहाँ पर, आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी स्पीकर वगैरह है लेकिन वो अभी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये केबल मैंने यहाँ पर लगा रखी है, तो ये केबल मेरे टैबलेट में जा रही है।
चलिए मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ, नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम अपने खुद का एक ट्रांसमीटर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी प्ले करूँगा, आप चाहे पीछे कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, कुछ और भी मैं प्ले करूँगा, तो वो सारी जो भी साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। अभी चलिए मैं NCS का एक और दूसरा वाला सॉन्ग है वो प्ले करके दिखा देता हूँ। अच्छा चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, बंद करता हूँ, ऑन करता हूँ। तो ये कुछ मेथड होता है जिससे हम अपना खुद का एक रेडियो स्टेशन छोटा सा खोल सकते हैं, अपने घर पर चला सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि मान के चलिए आपके पास टीवी है, तो क्या कर सकते हैं आप इस वाली केबल को, जहाँ से आप अपने टीवी में आप कोई भी पिक्चर मूवी वगैरह देख रहे हो, तो आप उस पर इसको कनेक्ट कर दीजिए, उसके पास इसको रख दीजिए, एक फ्रिक्वेंसी पर इसको सेट कर दीजिए, और जो अपना फ़ोन है इसको और इसमें एक हेडफोन लगाइए, और आप बेड पर आप लेट के आराम से, टीवी अगर आपकी दूर रखी हुई है, आपके साथ कोई है, कोई आसपास आपके कोई रहता है जिसको आप रात में दिक्कत होती है जब आप टीवी चलाते हैं तो वो साउंड कम करने के लिए बोलता है, या आपके साथ कोई फ्रेंड रहता है वो कहता है टीवी की आवाज़ बंद करिए, तो वहाँ पर आप इस काम को कर सकते हैं। आप इस वाली केबल को टीवी से लगाओगे तो इस वाली जब दूसरे वाले फ़ोन को आराम से अपने हेडफोन कान में लगा के आप टीवी का साउंड सुन सकते हैं दूर बैठे। तो ये वायरलेस पे काम करता है और वायरलेस इसका ट्रांसमीटर। तो ये कुछ वीडियो थी और कुछ यूनिक चीज़ थी, मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर देना ज़रूर, और इसी तरह की यूनिक और अच्छी वीडियो के लिए आप इस चैनल पर हमेशा बने रहें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। जितने भी नए लोग हैं जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।